गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। आज पता चला कि मेरी बीवी एक नागिन है जो खिड़की से अंदर आ जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, राइट? शायद ऋतिक ने आज नागिन के रूप में देख लिया है मुझे। अब क्या होगा? अब खिड़की से वो एक नागिन ही आ सकती, नहीं? अब ये नहीं सोचूं तो क्या सोचूं? मैंने तुम्हें यहां देखा, नीचे देखा, किचन में देखा, सब जगह देखा, तुम कहीं थी नहीं। कहां गई थी? मैं तो यहीं थी। ओह, तो नागिन होने के साथ साथ तुम्हारे पास गायब होने के पावर्स भी है। तुम ना होके भी दिखती हो और होके भी नहीं दिखती। सॉरी, मैं भूल गया था। तुमने कहा था मैं जहां रहती हूँ वहां मजाक नहीं होता। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? पॉइंट पे ही आ रहा हूँ। उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम मेरे साथ शहर घूमना चाहती हो, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हो, और तुम किचन में फंस गई थी। तो मैंने सोचा आज तुम्हें चांस दे देता हूँ मेरे साथ घूमने का, लॉन्ग ड्राइव पे चले। आई नो हमेशा तुम्हारी बात जुबान पे आके रुक जाती है। फाइनली हाँ तुमने आज बोली थी। कब नहीं, अभी अभी। अब उसके लिए भी पंडित जी का मुहूर्त चाहिए क्या? नहीं, पर वो मैं कुछ नहीं। चलो कुछ नहीं, मैं जानता हूँ तुम लड़कियां बहुत टाइम लेती हो रेडी होने के लिए, इसलिए आधा मैं रेडी कर देता हूँ। और सुनो, डोर अंदर से लॉक कर लेना। अब पहले तो ऋतिक के साथ ना जाने का रास्ता ढूंढना होगा और दूसरा रास्ता शेषा से मिलने का। उसे मिलने के बाद ही शुरू होगी इंतकाम की कहानी। वक्त बहुत कम है मेरे पास और कातिल अब दूर नहीं। सुनो, एक कार्टन विस्की रूम नंबर 205 में मिस्टर सूरी के पास भेज दो। देख आ गया। कमाल है यार। I love this hotel। अभी फोन किया और अभी आ गए। सर, amazing service। आओ 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 आओ। चलो उधर उधर उधर। Very good, good boy। ये ले ये भाई। ले 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 ले। चल 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 चल।
थैंक यू, बहुत अच्छी समय से तुम लोग की, थैंक यू सो मच। आ खोलो 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 खोलो, आ ये ले एंकी, एंकी देख फुल बॉटल एंड सेले थर्ड फॉर मी, फुल 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 फुल, ये छोड़ यार, मैं ही पोर करता हूँ। मेरे बना दो। चले यू डू द ऑनर्स। यस मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना है, पर कैसे? मेरे माँ बाबा के कातिल को इस देश से नहीं अपनी जिंदगी से जाना होगा, पुराने कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। सूरी तू खुद यहाँ नहीं आया है, तेरी मौत ने बुलाया है तुझे। अंकल, अरे अंकल वो मैंने आपके ऑफिस में भिजवा दिए, आपके गुड सबसे पहले डिस्पैच होंगे। हाँ हाँ अंकल जी बोलिए ना आप। क्या इतनी जल्दी? ओह अच्छा, तो आप यही कहना चाहते हैं ना, गेट टुगेदर है ना, हमें वहां आना है। ठीक है, बस तैयार होकर निकलती हूँ। शिवन्या, शिवन्या तुम यहाँ? मेरा मतलब है अभी तक तो यहाँ कोई भी नहीं था, तुम कब आए? माँ, माँ वो मैं। क्या? क्या बात है बेटा, तुम इतनी डरी हुई घबराई हुई क्यों लग रही हो? माँ माँ मा, 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 मैंने सांप देखा। क्या सांप? कहाँ? माँ गार्डन में। गार्डन में? चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, आपको तो पता है ना मुझे सांप से कितना डर लगता है, वैसे भी अब तक तो चला ही गया होगा ना। पता नहीं किस जन्म का बदला है, समझ में नहीं आ रहा कि ये सांप हमारे परिवार का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। सारे उपाय तो कर लिए, अब समझ में नहीं आ रहा कि करे भी तो क्या करे। पता नहीं क्या लिखा है हम सबके भाग्य में। भाग्य का लिखा तो कोई भी नहीं बदल सकता माँ, पर भाग्य में क्या लिखा है हमें क्या पता। माँ मैं एक महिला ज्योतिष को जानती हूँ, वो हमारी मदद कर सकती है। अच्छा कौन है वो? माँ वो सालों पहले हमारे गांव में आई थी, मैंने उस वक्त उनकी मदद की थी, तब से जानती हूँ उन्हें, दो दिन पहले ही यहाँ आई है।
हमारे गांव में उनकी बहुत मान्यता है। वो बस सैर करने आई थी वहाँ, पर बहुत सारे लोगों का भला करके गई है। हाथ की हर लकी, हर तकदीर पढ़ना जानती है वो। मैं खुद भी उनसे मिलने ही वाली थी। अगर आप कहें तो उन्हें बुला लूं मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या वो यहाँ आ सकती है, और अगर आ सकती है तो कब आ सकती है वो? आज रात को ही बुला लेती हूँ उन्हें। माँ, वो हर पल के बारे में बता सकती है, ये भी बता सकती है कि कल क्या होने वाला है। अच्छा, पर आज रात को एक काम करो बेटा, हम सब होटल जा रहे ना, उन्हें भी वही बुला लो। वो क्या है ना, सूरी साहब 2 दिन के बाद कनाडा जा रहे हैं, उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। हमने एक गेट टुगेदर अरेंज किया है, हमने सोचा थोड़ा सा वक्त उनके साथ बिताते हैं, हम सब वही होंगे। अब अगर वो ज्योतिष वहां आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी माँ, मैं उनसे अभी बात कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, उन्हें बुला लो, मैं तैयार होकर आती हूँ। तैयार हो गई? शिवन्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मॉर्निंग वॉक पे नहीं। सुबह जाना है तो रात से रेडी हो जाना चाहिए तुम लोगों को। शिवन्या, 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 क्या कहा था तुमने? नागिन हो, खिड़की से भी आ जाती हो, गायब भी हो जाती हो, पता नहीं कैसे ये सब करती हो। वैसे सही कहा तुमने, हम औरतों को तैयार होने में वक्त बहुत लगता है, पर एक बार जब तैयार हो जाते हैं तो हमारे चेहरे से नजर नहीं हटती तुम लोगों की। ये नागिन इतनी खूबसूरत होगी, मुझे नहीं पता था। ब्यूटीफुल, बस थोड़ी टेढ़ी है। ड्राइव पे जाना है, मॉर्निंग वॉक पे नहीं। चलो अब रुको। अरे वो क्या है, लगता है किसी की फोटो है। एक मिनट, सुनो। ये मैं हूं। छुपा क्यों रही हो, मैं देख चुका हूं। वैसे बचपन में काफी क्यूट थी, अब क्या हो गया तुम? बहुत लेट हो रहा है, चलते। कौन सी फिल्म है ये? नाम नहीं पता मुझे, मैंने बीच से ही देखी, अंत तक नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, मैं मेन्यू देख के बताता हूँ। ये फिल्म, इस कहानी में वो मोड़ बहुत दिलचस्प आएगा कि आखिर वो लड़का क्या करेगा जब उसे सच पता चलेगा। क्या वो अपनी बीवी का साथ देगा या अपने पिता को बचाएगा? और उस बीवी की कश्मकश भी देखो, एक तरफ उसे माँ बाबा के कातिल
और दूसरी तरफ उसका पति। सुपर ट्विस्ट, ऐसी कहानी है ना 100 करोड़ के क्लब में ऐसे पहुंचती है, क्योंकि तुम जैसी औरतें इसे देखते हैं इमोशनल होकर और रोती रहती हैं, जैसी कहानी फिल्म की नहीं अपनी चल रही। देखने लायक होगा कहानी का वो मोड कि आखिर पति किसका साथ देगा। तुम साथ होना दो, मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। शुरुआत हो चुकी है, मेरा अगला वार होगा सूरी पर। मैं फ्रेश होकर आता हूं। क्या हुआ? कॉकरोच। तुम्हें इससे डर लगता है? तुम्हें नहीं लगता? कितने डरावने होते हैं, देखो 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 इनके पंख देखो कितने डरावने। अगर आदमी को उड़ के काटे ना समझो आदमी खत्म। औरतें सबसे ज्यादा इनसे डरती है, पता है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई शेर देख लिया हो। अरे शेर नहीं, सवा शेर होते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? तुम जाके भगाओ इसे। अभी भगाती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। नहीं 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 नहीं, तुम चली गई तो मुझे कौन बचाएगा? मेरे साथ ही रहना प्लीज, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक ही बेड पे है ना वो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसी साइड पे रहूंगा, एक इंच भी नहीं लूंगा, प्रॉमिस। झूठ बोला था ना? क्या तुम्हें कॉकरोच से डर नहीं लगता? लगता है? नहीं लगता। बहुत लगता है? नहीं लगता है। लगता है? लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र बहुत ज्यादा हो रही है। सोच रहे हो कि अभी अभी इतना रो फिर किसी बात पर रोने ना लग जाए, या फिर कोई बुरा सपना ना है। मेरी इतनी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बीवी का नहीं वेट कर सकता, मेरी बीवी आएगी नहीं, है ना? मेरी बीवी नहीं आएगी। हाँ भैया, देख लिए ना अपनी आंखों से मनीषा को? हाँ देख लिया मैंने कि आपका दिमाग खराब हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पर कोई नहीं आया, सैलेश यहाँ पर अकेला है, कुछ भी बोलती रहती है, आप शक की और रखेंगे। कोई नहीं आया, मेरी बीवी नहीं आई। शेषा मंदिर में ही होगी, मुझे भी जाना है।
ये शिवन्या इतने रात को अकेली कहाँ जा रही है? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और क्या करती मैं? प्यार के चक्कर क्यों किया सब? और क्या करती मैं? ये मुझे बार बार फोन कर रहे थे, बातें करते करते इन्हें मुझसे प्यार हो गया और मुझे भी। तुम्हारे पास मेरे लिए कब वक्त है बताओ? कब वक्त था? ये हमेशा मेरे साथ वक्त बिताने के लिए तैयार रहते थे, तुम्हारे पास कभी वक्त ही नहीं था। मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा। जो तुम मुझे नहीं दे सके ना वो इन्होंने मुझे दिया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैंने जो किया सो किया, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। ये वही चुका है जो अपने उन दोनों ने उसको उन दोनों को मारा था। याद है उन दोनों को मारा था, उस नाग और नागिन को मारा था, नागमणि की खातर हम लोगों ने मारा। उस नागमणि के लिए हमें मुंह मांगी कीमत मिल रही है। तुझे पैसा देने को तैयार हूँ, मैं पैसा देने को तैयार। तू ये बता तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुझे? बोल बोल तुझे क्या चाहिए? मैं क्या चाहता हूँ? बोल बोल। ये चाहिए। मनीषा तुम बताओ, चाहती हो ना तुम मुझे? बोलो मनीषा, तुम चाहती हो ना? दो मुझे अपना हाथ। तुम मेरे साथ चलोगे, ये मेरे साथ जाएगी। हाथ पे शिवन्या आई क्यों नहीं अब तक? कहाँ रह गई? ये देखो, महाकाल के सामने काल वापस आ गया है। परसों पहले इसी शिव मंदिर में मारा था इन लोगों ने उन्हें। शिव जी, आज इस शिव मंदिर में आपको इस आघास को अंजाम तक लाना होगा, इंतकाम को इंसाफ तक ले जाना होगा। आपके भक्तों को आपके शिवलिंग के सामने मारा था इन लोगों ने। आज यही इसी जगह आपको अपने रुद्र रूप में आना होगा। जा सूरी जा, जी ले अपनी जिंदगी, नहीं चाहिए तेरी पीवी। जा ले जा। गजर का इशारा हो चुका है,
शेषन ने सूर्य को मंदिर में बुलाया है। सूर्य आ चुका होगा, मुझे जल्दी जाना है, मेरा इंतकाम बुला रहा है मुझे। अभी एक्सीडेंट होता तो मर जाता। भाई साहब गाड़ी आगे निकालना, मुझे जल्दी जाना है प्लीज। कहाँ गई हो? क्या आया यहाँ? हाथ धो। अरे हाथ, हाथ धो। उठना चाहते हो? हाँ। अपना हाथ दे दो। हाथ धो ना। अंकल क्या हुआ, कोई मदद चाहिए? अच्छा तुम आ गई, तुम आ गई। अच्छा मुझे बचा लो, इस नागिन से मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो नागिन बचा लो मुझे। किस नागिन से अंकल? अरे वो नागिन किस नागिन से बचा लूं आपको? हाँ, उस नागिन से जिसकी बरसों पहले इसी शिव मंदिर में आपने हत्या की, या फिर उस नागिन से जो हत्या का बदला लेने आई है आपने? एक इच्छाधारी नागिन की हत्या करने के पाप से आपको बचा लूं तो इंसाफ कैसे पूरा होगा? मेरा इंतकाम कैसा इंतकाम? ओ नागिन है, वो नागिन है, मुझे बचा लो प्लीज।